Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. आज इस वीडियो में बेटा हम यूनिट 3 DBMS जो आपके क्लास 10th IT सिलेबस का पार्ट है उसके सेशन 4 में रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी में ओपन ऑफ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सिलेक्ट कमांड के पार्ट 3 को देखेंगे और आज इस पार्ट में हम लाइक ऑपरेटर को कवर करेंगे. लाइक ऑपरेटर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर कैरिकुलम ओपन ऑफिस बेस के थ्रू. इसका यूज बताया गया है RDBMS सॉफ्टवेयर में और इससे रिलेटेड कंटेंट स्टडी मटेरियल में नहीं है बट स्टिल आई विल प्रोवाइड द लिंक्स फॉर एवरीथिंग दैट इज यू नो नीडेड फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेशन इन द डिस्क्रिप्शन एंड फॉर सिलेक्ट कमांड पार्ट 1 एंड 2 ऑल्सो आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. लाइक ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं बेसिकली आप यहाँ देखोगे इसमें हम लाइक ऑपरेटर को यूज करके पैटर्न्स मैच करते हैं और उन पैटर्न्स को बनाने के लिए वी मेक यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी यू नो वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. लेट्स प्रोसीड. देखो सपोज आई हैव दिस वी हैव टेकन दिस टेबल एज अ सैंपल इन मोस्ट ऑफ आवर वीडियोस. सो लेट अस वंस अगेन रेफर टू दिस टेबल. देखो बेटा इसमें अगर मैं क्वेरी लिखती हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू आदित्य शर्मा. सो दिस इक्वल टू जो है ये मेरा एक कंपेरिजन ऑपरेटर है जो इक्वालिटी को मैच करता है. सो इट इज गोइंग टू गिव मी इट इज गोइंग टू मैच द नेम कॉलम फॉर दिस स्ट्रिंग आदित्य शर्मा. जहां पर भी नेम की वैल्यू आदित्य शर्मा होगी वो वाली रो आपको रिट्रीव करके डिस्प्ले कर दी जाएगी. ठीक. सिमिलरली इफ आई राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू नोएडा. So in this case also we are performing an exact match using the equal to operator. We are performing an exact case sensitive match. Wherever the value of city column will be Noida, those rows or records will be fetched for us using the select command. अब एक situation आती है कि suppose I want to know कि display the names of all the employees where the name begins with capital A. ठीक है. मतलब ए से शुरू होते हुए जिनके भी नेम्स हैं उनकी डिटेल्स आए या फिर एन से शुरू होती हुई जितनी भी सिटीज हैं उनके डिटेल्स आए. दैट मीन्स एन से कौन कौन सी सिटी शुरू हो रही है. एन से भी नोएडा इज गोइंग टू नोएडा इज द सिटी दैट इज बिगनिंग विद एन कैपिटल एन. सिमिलरली न्यू दिल्ली इज द सिटी दैट इज बिगनिंग विद कैपिटल एन. ए से शुरू होते नेम्स हैं आदित्य शर्मा एंड आनंद शर्मा. सो ये चीज क्या कहलाई. इस चीज को हमने बोला है पैटर्न. Now we are not matching, you know, the exact value. We are matching a pattern. अब वो pattern जो है कैसे बनाते हैं उस pattern को कैसे match करते हैं that is the purpose of this session. So I hope अब आपको clear हुआ होगा कि हम pattern से क्या मतलब निकाल रहे हैं. ठीक. So हमें कैसे करना है. Let's proceed. Pattern matching के लिए हमें SQL ने like operator प्रोवाइड किया है विच वी आर गोइंग टू यूज इन द वेयर क्लॉज ऑफ आर सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड इट इज गोइंग टू यू नो मैच अ पैटर्न इन एनी नॉन न्यूमेरिक कॉलम. मतलब इंटीजर टाइप ना होकर डेट टाइप कैर वेयर कैर टाइम टाइप इस तरीके के कॉलम्स में ये एप्लीकेबल होता है. सिंटेक्स क्या होता है. सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स दैट यू विश टू सी फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल वेयर वैल्यू ऑफ द कॉलम बी लाइक दिस पैटर्न. है ना. लाइक इक्वल टू की जगह लाइक और लाइक के साथ हम बनाएंगे पैटर्न्स. जैसे मैंने आपको बताया ए से शुरू होते नेम्स एन से शुरू होती हुई सिटीज ए से एंड होते हुए नेम्स कई तरीके के पैटर्न्स अब आप इस वीडियो में समझोगे. सो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को इन पैटर्न्स को मतलब लाइक ऑपरेटर के साथ जो हम पैटर्न्स बनाते हैं वी मेक देम विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. ठीक है. सो इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का क्या मतलब है. देखो वाइल्डकार्ड कैरेक्टर इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट वन और मोर कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग. ठीक है. ए से शुरू होते हुए नाम. अब ए हमने बता दिया उसके बाद उस नाम में कितनी भी लेटर्स हो सकते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करेगा. कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा वो अलग अलग पर्पस से होगा वो देखते हैं. देर आर टू वाइल्ड कार्ड्स दैट आर यूज विद लाइक ऑपरेटर. फर्स्ट इज द परसेंट percent sign and second is the underscore sign. तो जैसे मैंने आपसे कहा substitute one or more characters देखते हैं. percent sign will substitute represent का मतलब ये हो गया substitute zero one or multiple characters. ठीक है. zero one or multiple characters.
परसेंट अगर हमने लगा दिया, मैंने लिखा ए परसेंट, तो ए के बाद जीरो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ए के बाद वन कैरेक्टर भी हो सकता है, ए के बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको उसको एग्जाम्पल से कराऊंगी। सो परसेंट, जस्ट रिमेंबर, इट रिप्रेजेंट्स जीरो, वन और मोर कैरेक्टर्स। अंडरस्कोर ऑन द अदर हैंड विल रिप्रेजेंट ओनली एंड ओनली वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर मैं आपको उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ। देखो, परसेंटाइल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम्स बिगिन विद कैपिटल ए, के सेंसिटिव हो गई। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम, अब इक्वल टू की जगह यू विल यूज लाइक, एंड देन सिंगल कोट्स में, जैसे क्योंकि आपको पता है नॉन-न्यूमेरिक कॉलम्स को व्हेनेवर वी रेफर देयर वैल्यूज वी पुट देम इन सिंगल कोट्स ए, ये तो आपको चाहिए नेम ए से शुरू होता हुआ कोई भी नेम। सो आपने ए फिक्स कर दिया, ए इज फिक्स्ड, दैट इज नेम मस्ट बिगिन विद ए, कैपिटल ए, फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जीरो और मोर कैरेक्टर्स। सो यहाँ आपने क्या लिख दिया, परसेंटाइल। अभी जो पैटर्न बना ए परसेंटाइल, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा यूज हुआ, परसेंट सिंबल। ये परसेंट ए के आगे कुछ भी ना हो तो भी मैच करेगा, ए के आगे वन लेटर हो उसे भी मैच करेगा, ए के आगे मोर देन वन लेटर्स हो उसको भी मैच करेगा। सो दिस इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एनी थिंग दैट फॉलोज कैपिटल ए। ठीक, इसको करके दिखाती हूँ मैं आपको। सी माई सेम डेटा बेस एम्प्लॉय टेबल, आदित्य शर्मा, ए से शुरू होते हैं बेटा, मेरे पास दो नेम्स हैं, आदित्य शर्मा एंड आनंद शर्मा। सो लेट्स क्विकली डू द क्वेरीज टैब एंड सेलेक्ट क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, एंड आई विल राइट ओवर हियर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम, आई विल राइट लाइक, देन आई विल पुट सिंगल कोट्स, पुट ए, ए से शुरू होते हुए ए परसेंटाइल, देन आई प्रेस F5। देखो अब क्या हुआ, नेम जो ए से शुरू हो रहे हैं कैपिटल ए से, उसके आगे जितने भी लेटर्स हो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई एम गोइंग टू गेट द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज। आई होप अब आपने देखा कैसे होगा। अगर आप चाहते हो ए से जो नेम्स नहीं शुरू होते हो उनके डिटेल्स आए, तो यहाँ नॉट लगा दो, ठीक है ना, वेयर नेम नॉट लाइक ए परसेंटाइल। सो नाउ यू कैन सी ऑल द एंट्रीज वेयर नेम्स ऑफ बिगनिंग विद ए हैव बीन डिस्कार्डेड फ्रॉम द आउटपुट, एंड ओनली द नेम्स विच आर नॉट बिगनिंग विद ए देयर डिटेल्स आर बीइंग शोन टू अस। सो इस तरह से आप नॉट भी इसके साथ यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज नेम्स एंड विद ए। अब आपने लास्ट कैरेक्टर फिक्स किया, हम स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं बेटा, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर आपने कह दिया ए होना चाहिए, छोटा ए, स्मॉल ए, उससे पहले कुछ भी हो, नहीं उससे पहले कोई भी वैल्यू हो, सो दिस परसेंट सिंबल, दिस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर परसेंट विल सब्स्टिट्यूट ऑल दी अदर कैरेक्टर्स दैट प्रिसीड स्मॉल ए। लेट्स ट्राई दिस इज वेल। सो आई राइट लाइक नेम वेयर, सेम क्वेरी, वेयर नेम लाइक परसेंट ए, ठीक। सो अब इसको रन करते हैं। सी आदित्य शर्मा, स्मॉल ए से एंड होता हुआ, तीन नेम्स है हमारे पास, समीर गुप्ता, आनंद शर्मा, आदित्य शर्मा। सो ए से पहले कुछ भी हो परसेंट उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गिव अस दी रिकॉर्ड्स, ठीक। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेलेक्ट एस्ट्रिक डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज नेम्स कंटेन द लेटर ए एनीवेयर। ये बहुत अच्छी, देखो ए कहीं पर भी होना चाहिए, मिडल में लिख दिया मैंने, ए शुरू में भी हो सकता है, ए एंड में भी हो सकता है, एक कहीं पर भी इन एनी वेयर इन बिटवीन भी हो सकता है। सो आप देखते हो परसेंट जीरो को मैच करेगा, ये स्ट्रिंग किस किस को मैच करेगी, ये स्ट्रिंग मैच करेगी सिर्फ ए भी लिखा हुआ छोटा उसे भी मैच करेगी, बिकॉज परसेंट रिप्लेसेस सब्स्टिट्यूट्स जीरो और मोर देन जीरो, वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स। सो सिर्फ नेम में ए भी होगा वो भी मैच होगा, नेम ए से शुरू होते हुए होंगे वो भी मैच होंगे क्योंकि ये परसेंट जीरो को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, नेम जो ए से एंड होते हों वो भी मैच होंगे क्योंकि लास्ट वाला जो परसेंट है वो भी जीरो को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एंड इफ द नेम हैज ए एनीवेयर इन बिटवीन दैट टू इज गोइंग टू मैच। सो लेट अस प्रोसीड, ट्राई दिस आउट इज वेल। ए परसेंटाइल ए, ठीक, सॉरी परसेंटाइल ए परसेंटाइल, सो दिस इज गोइंग टू मैच व्हाट, एनी नेम दैट हैज स्मॉल ए इन इट। लेट्स रन, सी वन वंडरफुल आंसर, एवरी नेम, आदित्य शर्मा में ए है, पराग में ए है, कुशाग्र में ए है, प्रियांश में ए है,
Anand, Samir, all of these have they have A somewhere in them, you know. So it is going to match every pattern. This pattern means A's name mein kahi bhi ho, shuru mein ho, end mein ho, in between ho, it is going to match. Thik? As simple as that. Aage chalte hain next example par. Display the details of all employees whose names begin with the letter A and end with the letter A. Thik? So beginning letter ho gaya A, ending letter ho gaya small a. बिगनिंग कैपिटल ए से एंडिंग स्मॉल ए से एंड इन बिटवीन कुछ भी हो पर्सन उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा. सो लेट अस ट्राई दिस इज वेल. सो आई विल राइट ए से शुरू होते हुए कैपिटल ए से शुरू होते हुए बीच में कुछ भी हो और स्मॉल ए से एंड होते हुए. सो लेट सी. देखो आदित्य शर्मा ए से शुरू होता है कैपिटल से स्मॉल ए से एंड होता है. आनंद शर्मा कैपिटल ए से शुरू होता है स्मॉल ए से एंड होता है. सो दिस इज हाउ the pattern percent symbol will match anything in between, but two characters we have fixed, one at the beginning capital A and one at the end small a. Fine, aage chalte hain beta. Third example, display the details of all employees whose names contain an in them. Ek substring is zaruri ek hi letter match karo. Aap multiple letters ko bhi match kara sakte ho. Kahin par bhi name mein an agar aa raha hai, usse pehle kuch ho, uske baad kuch ho. एन से शुरू होते हुए नेम्स भी, एन से एंड, जब भी परसेंट परसेंट के बीच में कोई स्ट्रिंग लगी होगी आप देखना उस स्ट्रिंग से एंड होते हुए बिगिन होते हुए या वो स्ट्रिंग कहीं इन बिटवीन एक साथ एन होने चाहिए. बस ये ध्यान रखना एन एक साथ हो, उससे पहले कुछ हो ना हो, उसके बाद कुछ हो ना हो, या फिर वो कहीं इन बिटवीन लाई करे, वो सारी स्ट्रिंग इससे मैच हो जाएंगी. ठीक, लेट्स ट्राई दिस. सो परसेंट ए एन परसेंट कैसे सेंसिटिव होगा ध्यान रखना. सो लेट्स देखो प्रियांश, प्रियांश में एन आ रहा है, आनंद, आनंद में भी एन आ रहा है. सो एन से पहले कुछ भी हो, एन के बाद कुछ भी हो, ये स्ट्रिंग उसको, ये पैटर्न उसको मैच करेगा. फाइन. सो ये था परसेंट सिंबल के बारे में. अब देखते हैं अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर. अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड आपने पढ़ा सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है, यानी जीरो वाला केस खत्म, मोर देन वन वाला केस भी खत्म. व्हाट इज लेफ्ट, इट इज गोइंग टू मैच एग्जैक्टली वन कैरेक्टर. सो लेट्स सी हाउ इट डज इट. तो डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल सिटीज हुज नेम्स बिगिन विद कैपिटल एन एंड दे आर फाइव इन लेंथ. सो जैसे डेटा में आपने देखा था नोएडा, एन ओ आई डी ए, फाइव लेटर का सिटी नेम है, एन से शुरू होता है. तो हम कैसे पैटर्न बनाएंगे, अगर मैं एन परसेंटाइल लिखती हूँ तो वो न्यू दिल्ली को भी मैच करेगा, एन के बाद कुछ भी हो, है ना. तो मेरे को एन के बाद एग्जैक्टली चार कैरेक्टर्स और चाहिए. सो आई विल फ्रेम द क्वेरी लाइक दिस, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सिटी लाइक, एन को मैंने फिक्स कर दिया कैपिटल एन, और उसके बाद बेटा ये मैंने चार अंडरस्कोर कंजेकटिवली लगाए, ये लाइन नहीं, दीज आर फोर अंडरस्कोर वन आफ्टर दी अदर, और कोट्स में डाल दिया. सो अभी एन के बाद कुछ भी, फोर लेटर कुछ भी हो इरिस्पेक्टिव, है ना, एन के बाद कुछ भी फोर लेटर का मतलब टोटल लेंथ फाइव है एन को इंक्लूड करते हुए, बट एन के बाद कोई भी फोर कैरेक्टर्स अगर हुए वो मैच कर जाएंगे. सो लेट्स ट्राई दिस वेयर आई हैव टू चेंज द कॉलम नाउ वेयर सिटी लाइक एन वन टू थ्री फोर अंडरस्कोर्स आई हैव टाइप्ड. सी so I've got this data for Noida city, where city like Noida. ठीक, so underscore एक एक को मैच करता, अब अगर percentile होता तो केवल n को भी मैच कर सकता था, इनके बाद कुछ भी उसे मैच करता, but underscore will match exactly four characters. जैसे मतलब ये हमने five four underscores लगाए, they will match only four characters, exactly four characters. ठीक, let's proceed. To display the details of all employees whose names have I as the third letter followed by zero or more characters. बहुत interesting query है. देखो third position पर मुझे name में I चाहिए, यानी उससे पहले दो characters होने जरूरी, तो मैंने यहाँ दो underscore लगा दिए. ठीक है, third position पर मुझे I चाहिए, percentile लगा दी तो क्या होता, zero को भी match करता, अब मुझे third position पर I चाहिए, तो I मैंने fix कर दिया, उससे पहले मैंने दो underscore लगाए, उसके बाद कुछ भी हो आई थर्ड कैरेक्टर पर, उसके बाद कुछ भी हो, तो मैंने उसके लिए परसेंट लगा दिया. तो देखो डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम्स हैव आई एट द थर्ड पोजीशन, तो दो अंडरस्कोर आई, उसके बाद जीरो और मोर कैरेक्टर्स के लिए मैंने क्या लगाया, परसेंट सिंबल. सो ये कैसे चलेगी, देखो वेयर अगेन आई राइट
name like, let me just quickly, 1 2 2 underscores i ke baad kuch bhi ho, percent. Let's run this. देखो बेटा आदित्य थर्ड पोजीशन पर आई है, उससे पहले दो कैरेक्टर हैं, आई के बाद कुछ भी हो. प्रियांश थर्ड पोजीशन पर आई, उससे पहले पीआर है, कुछ भी मैच हो जाएगा, दो कैरेक्टर मैच होंगे और आई के बाद फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो कोई भी ऐसा नेम जिसका थर्ड लेटर आई है वो उससे मैच हो जाएगा. आई को फिक्स करते हुए पहले दो अंडरस्कोर्स लगाओ और फिर आई के बाद कुछ भी मैच करने के लिए परसेंट लगाओ. ठीक, लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम्स आर 5 इन लेंथ फॉलोड बाय अ स्पेस एंड एनी लास्ट नेम सरनेम कुछ भी हो. सो अब बहुत ध्यान से देखो, 5 लेटर के नेम्स होने चाहिए. 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर्स हैं. अब आपको पता है नेम और सरनेम में स्पेस आता है, एक स्पेस दिया यहाँ पर और उसके बाद परसेंट लगाया. सो कोई भी 5 लेटर नेम मैच होगा, 5 लेटर का कोई भी नेम इस क्वेरी से मैच हो जाएगा. लेट्स ट्राई. वेयर नेम लाइक 1 2 3 4 5, गिव अ स्पेस, पुट अ परसेंट, रन. पराग अग्रवाल 5 लेटर का नेम है, स्पेस है उसके बाद, फिर सर नेम है, कुछ भी हो. आनंद शर्मा 5 लेटर नेम, 5 अंडरस्कोर्स को मैच कर जाएगा, स्पेस फॉलोड बाय एनी सर नेम विच इन दिस केस इज शर्मा. तो 5 लेटर के नेम्स के बाद कुछ भी, कोई भी ऐसा नेम जो 5 लेटर से शुरू होता हो वो इससे मैच हो जाएगा. आपको क्या लगाने होंगे, 5 अंडरस्कोर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज सिटी नेम्स आर 9 इन लेंथ. तो सिटी नेम्स को फिक्स कर दिया, 9 लेंथ की सिटी होनी चाहिए, परसेंट तो किसी कितने भी नंबर को मैच करेगा. बहुत आराम से आप बता दोगे, हम 9 अंडरस्कोर्स लगाएंगे कोट्स के बीच में, कोई भी 9 लेटर सिटीज से मैच हो जाएगी. लेट्स ट्राई. 5 हम यहाँ ऑलरेडी रख चुके थे ना, तो 6 7 8 9 पिछली क्वेरी के लिए हमने 5 लिखे थे ना, और यहां पर हम कर देते हैं सिटी. लेट्स रन. देखो न्यू दिल्ली में 9 कैरेक्टर्स हैं, एनी डब्ल्यू 3 4 5 6 7 8 9, गाजियाबाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो सारे वो रिकॉर्ड्स आ गए जिनमें एम्प्लॉई उन सिटीज को बिलोंग करते हैं जिनकी लेंथ 9 है. सो जब आपको एग्जैक्ट लेंथ मैच करनी होती है आप अंडरस्कोर लगाते हो, जब आपको लेंथ वेरी नेचर की मैच करनी होती है आप परसेंट लगाते हो. अंडरस्कोर जितनी मैचिंग चाहिए, एक एक कैरेक्टर को रिप्लेस करता है, एक एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट करता है. ना 0 का स्कोप है, ना मोर देन 1 का स्कोप है. वेरास परसेंटाइल 0 का स्कोप भी रखता है, 1 का स्कोप भी रखता है, मोर देन 1 का स्कोप भी रखता है. सो अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स बनाओ. ठीक, सो दिस वॉज अबाउट द लाइक ऑपरेटर एंड हाउ वी मैच्ड पैटर्न्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन एसक्यूएल. मैं इस पर एक वर्कशीट लेकर बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, क्योंकि दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस. टिल द टाइम आई मीट यू अगेन, डू वॉच दिस वीडियो, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग माय अर्लियर वीडियोस. मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ. टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, एज आई ऑलवेज से, हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मोटिवेटिंग मी. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.